इंदौर की बाणगंगा थाना पुलिस ने होटल में तोड़फोड़ करने वाले 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी आदतन अपराधी हैं, सभी दुकानों से अड़ीबाजी कर पैसे वसूली का काम करते हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित कुशवाहा नगर के मेन मार्केट में सोमवार को आरोपियों ने इस कदर आतंक मचाया कि पूरे बाजार में व्यापारियों में दहशत का माहौल साफ तौर पर देखने को मिला। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि आसपास के ही कॉलोनी के कुछ आरोपी सत्कार नामक होटल में अड़ीबाजी करने पहुंचे थे, जिसका दुकान संचालक राहुल उपाध्याय व हेमंत उपाध्याय द्वारा विरोध किया गया था, तो आरोपियों ने तोड़फोड़ मचा दी, जिसमें दोनों ही होटल संचालकों को काफी गंभीर चोटें आई हैं। ये पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की और 5 आरोपी सुनील, छोटू और उनके 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। 19 तारीख को वाणगंगा क्षेत्र के गणेश कॉलोनी में एक चाय की घंटी पर कुछ लोग उन्होंने आकर वहां पर चाय पी और फिर पैसे न देने की बात को लेकर चाय वाले के साथ विवाद किया और उसके साथ मारपीट की और उसकी दुकान में कुछ तोड़फोड़ हुई। इस पर से थाना वाणगंगा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेजों को देखा गया। उसके आधार पर आरोपियों की पत्तराशी की गई। आरोपियों के नाम फुटेज के आधार पर सुनील पासी, छोटू पासी और उसके अन्य 4-5 जो साथी थे उनके नाम प्रकरण पंजीबद्ध हुआ और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। सर, कैसे देखते हैं एक बेखौफ बदमाश लोग हमला कर रहे हैं, पैसे ना देने को लेकर के विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अवैध रूप, मतलब ये कहा जाए कि पुलिस का क्या भय इन लोगों पर खत्म हो चुका है? क्योंकि ये चाय की दुकान थी और वहाँ पर लोग चाय पीने अक्सर आते हैं, उस दिन इन लोगों के बीच पैसे ना देने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है और प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया है। सर, इन पर कोई पुराने अपराधिक रिकॉर्ड है? इस संबंध में भी सभी जानकारी एकत्र। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, सभी आरोपियों पर पहले भी कई मामले दर्ज है। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।